हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इस्मती कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंदौर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट लोकल एनास्थेटिक ड्रग्स। So first is synthesis of benzocaine. So starting material is 4-nitrobenzoic acid. Now this 4-nitrobenzoic acid undergo the reduction in the presence of SNCl2 and HCl and produce 4-aminobenzoic acid. Then this 4-aminobenzoic acid react with ethanol and sulfuric acid. So water molecule is released and CH3CH2, this one, is attached to here, and finally we get benzocaine. Second drug is procaine, synthesis of procaine. Starting material here, 4-aminobenzoic acid. 4-aminobenzoic acid react with diethyl aminoethanol in the presence of sulfuric acid, produce procaine molecules. यहाँ देखिए आपका starting material 4-aminobenzoic acid है, जो कि डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपका जो है वो रिलीज हो जाएगा और यहाँ से बाकी ये जो पूरा ग्रुप है ये जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा और प्रोकेन मॉलिक्यूल्स बनेगा। नेक्स्ट ड्रग इज डाइब्यूकेन, सो सिंथेसिस ऑफ डाइब्यूकेन। स्टार्टिंग मटेरियल इज एसेटिन, एसेटिन। सो नाउ दिस एसेटिन रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो CH3CO is attached to this nitrogen atom, this one. Then this intermediate undergo the cyclization reaction in the presence of NaOH and form 2-hydroxycinchoninic acid. Then this 2-hydroxycinchoninic acid react with POCl3 and form 2-chlorosynchoninonyl chloride. Then this intermediate react with diethyl ethylene diamine. So HCl is released and form this intermediate. Now this intermediate react with sodium butoxide, so again HCl is released and N-butyl is attached with here and produce dibucane. Dibucane की synthesis में आप देखेंगे starting material है जो आपका वो क्या है, acetin. एसेटिन एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो आपका CH3CO ग्रुप, दिस वन, अटैच हो जाएगा आपका नाइट्रोजन एटम से। फिर ये जो आपका ग्रुप है, आपका जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट NaOH के प्रेजेंस में
उसका साइक्लाइजेशन होगा और बनाएगा 2-हाइड्रोक्सीसिनकोनेनिक एसिड। फिर ये 2-हाइड्रोक्सीसिनकोनेनिक एसिड POCl3 से रिएक्ट करेगा और COOH की जगह पर क्या आ जाएगा आपका COCl। दिस वन तो इसका नाम क्या है 2-क्लोरोसिनकोनेनाइल क्लोराइड। ये 2-क्लोरोसिनकोनेनाइल क्लोराइड डाइइथाइल इथाइलिन डायमीन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H और Cl रिलीज होगा और यहाँ पर आपका CO से आपका डाइइथाइल इथाइलिनामीन ये वाला जो पोर्शन है ये अटैच हो जाएगा। ओके फिर ये आपका जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये सोडियम ब्यूटॉक्साइड से रिएक्ट करेगा तो आपका क्या रिलीज हो जाएगा, सोडियम ब्यूटॉक्साइड से रिलीज रिएक्ट करेगा तो आपका यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, ये आपका रिलीज हुआ सोडियम क्लोराइड और जाके ब्यूटॉक्साइड आपका अटैच हो गया और प्रोड्यूस हुआ आपका डाई ब्यूकेन। थैंक यू।